जहां भाजपा ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी थी, वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन ही अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं बाला छावनी से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने चुटकी ली और कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूते हैं उसी समय अनुसार इनकी लिस्ट भी रात को जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र हुड्डा आ जाए या राहुल गांधी खुद आ जाए। दुनिया के अधिकतर काले काम रात को ही किए जाते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूते हैं उसी समय अनुसार रात को इनकी लिस्ट जारी की गई है। नहीं नहीं, अब जब तब में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते थे कोई आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, उसको यहाँ से हरा के भेजे। वहीं हिमाचल के शिमला में मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर अनिल विज ने कहा, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे हिमाचल है चाहे कर्नाटक है, सब जगह ये तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, जो देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा कि उनका एक सपना है कि दुनिया के हर उपकरण पर लगे भारतीय में बनी चिप लगे। इस पर अनिल विज ने कहा कि मोदी जी देश की तरक्की का रोड मैप है। उनके जहां में और सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने अगर हर उपकरण में लगता है तो हिंदुस्तान में बहुत रोजगार मिलेगा और हिंदुस्तान बहुत तरक्की की ऊंचाइयों को छुएगा। ये कांग्रेस की तुझको बहुत बर्बाद किया है, और अब जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, सब जगह ये तुष्टिकरण की नीति पर चल रहे हैं और वो देश के लिए बहुत घातक है। मोदी जी देश की तरक्की का रोड मैप है उनके जहन में, और सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने अगर हर इक्विपमेंट में लगता है तो हिंदुस्तान में बहुत रोजगार मिलेगा और हिंदुस्तान बहुत तरक्की की ऊंचाइयां छुएगा।